ऋषि ने मार दिया मलेश काको जोर से तमाचा और नीलम ने निकाल दिया मलेश काको घर से बाहर। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब मलेश का ऋषि नीलम को कहेगी कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं मेरे ऋषि और लक्ष्मी को जान से मारना क्यों चाहूंगी, तभी नीलम कहेगी मुझे सब समझ में आ गया है, तुमने मेरे बेटे ऋषि को इसलिए मारने की कोशिश की थी क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता था कि तुम ऋषि को पाने की कितनी चाहे कोशिशें कर लो, और तुम्हें अच्छे से पता था कि ऋषि की जिंदगी में अगर लक्ष्मी नहीं रही तो ऋषि फिर भी तुम्हारा कभी नहीं होगा, इसलिए तुमने मलेश का ऋषि लक्ष्मी दोनों को मारने की कोशिश की, मेरे बेटे ऋषि और मेरी लक्ष्मी बहू को मारने की कोशिश की। ये नीलम के मुंह से सुनकर तभी ऋषि आगे आकर मलेशका के सामने मलेशका को जोर से तमाचा मार देगा, जिसे देखकर नीलम लक्ष्मी को काफी बड़ा शौक लगेगा और मलेशका की माँ किरण के होश उड़ जाएंगे और ऋषि गुस्से से मलेशका को कहेगा छी मुझे तुम पर घिन आती है कि एक समय पर मलेशका मैंने तुमसे प्यार किया था लेकिन बदले में तुमने क्या दिया मुझे मलेशका, एक मौत। मैं सोच नहीं सकता कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की, मुझे इसका तो एहसास था कि तुम लक्ष्मी को जान से मारने पर तुली हो लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम मुझे भी मार दोगी। तभी यह सुनकर पीछे से नीलम ऋषि को कहेगी रुक जाओ ऋषि, इस बेगैरत औरत मलेशका के सामने ये सब बोलना लाजमी नहीं है। यह सुनकर मलेशका नीलम को अपने झांसे में फंसाते हुए नीलम को कहेगी नीलम आंटी मैंने कुछ नहीं किया, आप ऐसा कैसे सोच ली, मैं जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ उसी को मारने की मैं कोशिश करूंगी। तभी यह सुनकर नीलम कहे कि बस करो मलेशका, तुम जैसी बेगैरत औरत की जगह मेरे बेटे की जिंदगी से तो दूर इस घर में भी नहीं होनी चाहिए, लक्ष्मी हमेशा सही कहती थी कि तुम इस घर के लिए सही नहीं हो, तुमने हमेशा हर कदम पर लक्ष्मी को मारने के लिए लक्ष्मी को नीचा दिखाने के लिए चाले चली, बदले में लक्ष्मी ने हमेशा क्या किया, बस वो सिर्फ बेचारी हमेशा सुनती रही और मैं पागल तुम्हारी बातों में आती रही, पता नहीं मैंने जाने अनजाने में लक्ष्मी को क्या कुछ नहीं बोला, और एक बार नहीं मैंने तुम्हारी वजह से लक्ष्मी को हजार बार बोला सिर्फ मलेश का तुम्हारे झांसे में आकर, इसलिए अब तुम्हें मलेश का तुम्हारे किए की सजा मिलकर रहेगी और वो सजा मलेश का तुम्हें मैं दूंगी, तुम्हें मैं कानून के हवाले करूंगी। तभी ऋषि नीलम को कहेगा नहीं मॉम, ये कानून के होने के हवाले है ही नहीं, मलेश का के लिए हमारे घर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद। तभी वीरेंद्र कहेगा नहीं ऋषि, इस मलेश का ने जो हरकतें की है उसके लिए मलेश का को कानून के हवाले ही करना सही रहेगा, और वैसे भी इस घर के ओबेरॉय हाउस के दरवाजे मलेश का के लिए बंद हो ही गए हैं और साथ ही मलेशका के पापा के जो भी हमारी कंपनी के साथ पार्टनरशिप है वो भी टूटती है, अब मलेशका और उसके परिवार और हमारे परिवार के बीच कोई रिश्ता नहीं है। यह सुनकर तभी आयुष कहेगा ठीक कहा डैड आपने, इस मलेशका को जितनी भी बड़ी सजा दी जाए वो भी कम है, इसने हमारी लक्ष्मी भाभी तथा ऋषि भाई को मारने की कोशिश की। तभी यह सुनकर नीलम कुछ भी बोले बिना अचानक से मलेशका का जोर से हाथ पकड़ लेगी और मलेशका को घसीट कर घर से बाहर निकालेगी और मलेशका को हमेशा के लिए ओबेरॉय हाउस से दूर जाने के लिए कह देगी और कहेगी कि मलेशका आइंदा से तुम मेरी आंखों के सामने मत आना, वरना जो तुमने मेरे बेटे ऋषि लक्ष्मी को मारने की कोशिश की थी ना, तो वही मारने की कोशिश सेम वही सजा मैं तुम्हें दे दूंगी। यह सुनकर मलेशका कुछ भी बोले बिना चली जाएगी और मलेशका को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए क्या नहीं, और ऋषि मलेशका को तमाचा मारकर सही करेगा क्या नहीं, और नीलम को अपने किए का एहसास होकर नीलम को भी उसके किए की सजा मिलनी चाहिए क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।